आप देख रहे हैं द आरके न्यूज़। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आम के बगीचे की सुरक्षा के लिए 3 गार्ड और 9 कुत्ते लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस बगीचे में लगे एक आम की कीमत लाखों रुपए में है। ये खास किस्म का आम जापान में पाया जाता है। जबलपुर के इस बगीचे में लगे इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए किलो बताई जा रही है। जबलपुर की आहो हवा में पैदा यह कीमती आम हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में बिकता है और इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए। इनामों की रखवाली के लिए कुत्ते और गार्ड्स 24 घंटे बगीचे में तैनात रहते हैं। बगीचे के मालिक संकल्प ने बताया कि इस जापानी आम का नाम टाइयो नो टेमेगो है। इसे एग ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा भी कहा जाता है। संकल्प बताते हैं कि पिछले यह आम काफी चर्चा में आया था जिसकी वजह से उनके बगीचे के आम की चोरी हुई थी, इसलिए वह इन कीमती आम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सुरक्षा पर अतिरिक्त पैसा खर्च कर रहे हैं। यह आम जब पूरा पक जाता है तो यह हल्का लाल और पीला होता है और इसका वजन करीब 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। इसमें रेशे नहीं पाए जाते और खाने में यह बहुत मीठा होता है। आम की यह प्रजाति जापान में संरक्षित वातावरण में उगाई जाती है, लेकिन संकल्प सिंह परिहार ने अपनी बंजर पड़ी जमीन पर इसे खुले वातावरण में ही उगाया है। जापान में 2017 में करीब $3,600 की बोली लगाई गई थी जिसकी भारत में कम कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होती है। बगीचे के मालिक संकल्प का कहना है कि शुरुआत में इस आम को 4 एकड़ के बगीचे में शुरुआत कुछ पौधे से की गई थी और आज भारतीय 14 हाइब्रिड तथा 6 विदेशी किस्म के आम उनके बगीचे में आसानी से होते हैं। भारत में इस आम की खेती और कहीं नहीं होती। जापानी आम को तोमागो के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी खूब मांग है। जापानी भाषा में ताइयो नो तामागो के नाम से इसे जाना जाता है। संकल्प परिवार ने अपने 4 एकड़ के बगीचे में 14 अलग अलग किस्म के आमों को लगाया है और इसके अलावा तामागो आम के 52 पेड़ लगाए गए। इस आम की खेती करने वाले संकल्प परिहार ने कहा कि जापान में इस आम को पॉली हाउस के अंदर सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है। संकल्प परिहार ने प्रयोग के तौर पर इसे लगाया था और इस आम को जबलपुर का वातावरण अच्छा लगा और यहाँ पर लग गए।